हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ टेस्ट 7। ये दूसरा डिस्कशन होने वाला है। एक कल लास्ट क्लास में किया था, यही अभी उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो नहीं होने वाले। जैसे ये दो तीन क्वेश्चन तो शुरू के हो ही गए थे, ये भी हो गया था, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी लास्ट क्लास में हो चुका है, ये काफ़ी बच्चों से नहीं हुआ, एटलीस्ट कुछ बच्चों से नहीं हुआ। देखो भाई, अब देर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट इन मॉडर्न मैथमेटिक्स कि ऐसे चलना है, वो भी नहीं है। बस इसमें यही है कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और हम कोशिश ये करते हैं। अब ऐसे नहीं कि ऐसे चल के ही आपका काम होगा, लेकिन ऐसे चल के भी काम हो सकता है। हम कोशिश ये करते हैं अक्सर क्वेश्चंस में कि एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आपने सारे ऑप्शन देख लिए, गिवन इन्फॉर्मेशन देख के कौन सा ट्रू हो सकता है। अगर तुरंत क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो एक एक ऑप्शन अगर आप जस्टिफाई करने बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो अभी राइट नाउ इसको मत देखो, स्टेटमेंट देखो पहले। डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, और टी जो है, ओके देखिए ये आपका आर पावर 6 है, ये आपका डब्ल्यू है, और ये एक मैपिंग दिया आपने टी। ठीक है, टी ई टू ई फोर, ये ई वन वाले ई टू ई फोर ई सिक्स, इन तीनों का इमेज है और वो स्पैन कर रहा है डब्ल्यू को। बहुत बढ़िया। तो डब्ल्यू यानी कि स्पैन ऑफ टी वन सॉरी ई टू ई फोर एंड ई सिक्स। भाई ये तीन वेक्टर्स का स्पैन है। हाँ, कोई भी सेट अगर तीन वेक्टर्स का स्पैन होगा, अगर ये तीनों मान लीजिए एल आई हो गया आपस में, तो इसका डायमेंशन 3। अगर ये तीनों एल आई नहीं हुए, इनमें से दो एल आई हो गए तो डायमेंशन 2, दो भी नहीं है एक एल आई हो गया तो डायमेंशन 1, मतलब इसका डायमेंशन एटमोस्ट 3 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दिख रहा है आपको? डब्ल्यू इज इक्वल टू स्पैन ऑफ टी टू, दिस इम्प्लाइज लेस देन इक्वल टू 3। अब क्या अभी अभी भी मत देखिए क्या पूछ रहा हूँ, छोड़िए इधर आइए। हाँ जी, इसका रेंज तो इसी में घुसा होता है, रेंज इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डोमेन, सो दिस इज योर रेंज। ऑल्सो आर टी सब स्पेस है डब्ल्यू का, तो दिस इम्प्लाइज यस डायमेंशन ऑफ आर टी दैट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा, लास्टली अब क्या करें फिर? अब रैंक नलिटी थ्योरम देखते हैं। बाय रैंक नलिटी थ्योरम यस डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, वी यहाँ पे 6 है, आर 6 है। बस अब आइए ज़रा इधर। हाँ जी, ये तीन हो सकता है, हो सकता है ये दो भी हो सकता है, बिल्कुल ये एक भी हो सकता है, ये 0 भी होगा। हाँ भाई, अगर ये तीन है तो ये 3, अगर ये दो है तो ये 4, ये 5 और एक, आप समझ गए। तो डायमेंशन ऑफ एन टी इज 3 4 5 6, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा है। अगर इस स्पेस का डायमेंशन 3 या 3 से ज़्यादा है तो उसमें कम से कम 3 एल आई वैक्टर्स तो हैं ही, तो काम खत्म। कर्नेलिटी कंटेंस ये रहा आपका, बाकी सब सर, बाकी सबका क्या क्या करना है, बाकी सबका सिंगल करेक्ट, समझ रहे हैं? देखिए ये एक तरीका है क्वेश्चन करने का। अगर कोई बच्चा ये इन सब में उलझ जाएगा तो उसमें टाइम लगता है भाई, थोड़ा कीननेस और ऑब्जर्वेशन का काम है क्वेश्चंस करना। एम आई राइट? ठीक कह रहा हूँ ना? हमने तो, ये स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग, यस सर। मैं कह रहा हूँ हमने तो अभी ए बी सी देखा भी नहीं, सच कह रहे हैं, देखा ही नहीं मैंने, जानबूझ के नहीं देखा। आपको भी एग्जाम में थोड़ा इस तरीके से चलना सीख लेना चाहिए, दैट इज़ वाई टेस्ट सीरीज का डिस्कशन रेगुलर बेसिस पे आपको मिल रहा है। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये लास्ट क्लास में हो गया है, कुछ है नहीं इसमें, ये छोड़िए, ये रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए। हाँ जी, ये इस तरह का क्वेश्चन मैं हर टेस्ट में डाल रहा हूँ, अभी अभी डाल रहा हूँ। इस बार मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है, मैं लास्ट क्लासेस में भी बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर ऐसा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर ये पावर अल्फा 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके हाथ जैकपॉट लग गया। हाँ जी, जैकपॉट लग गया है, उसको जाने मत देना, अपनी मुँह रखता हूँ उसे। और हर हर बार टेस्ट सीरीज में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको बोला भी थोड़ा घर पे बैठ के करके देख लो। यस,
इसके साथ अगर कोई इस तरह की कंडीशन जुड़ी हुई है y ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो या फिर y a इक्वल टू समथिंग, हाँ जी वो जो समथिंग है वो तीन चीज़ें दे सकता है, या तो वो ज़ीरो देगा, या वो पॉजिटिव देगा, या वो नेगेटिव देगा। एक बार चार्ट बना के देख लीजिए, लेकिन आप तो अभी भी फॉर्मूले के भरोसे ही जी रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो अगर ये पावर अल्फ़ा लाइन बिटवीन ज़ीरो वन है और उसके साथ इस तरह का कोई कंडीशन दिया है वाई ज़ीरो ज़ीरो या वाई ए ज़ीरो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है, करके भी दिखाया आप लोगों को। नेक्स्ट ये मैट्रिक्स निकालना है, कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बैठ के आपके साथ डिस्कस किया जाए, आराम से हो जाएगा, ये भी इजी है, ये कल आपको कराया गया था, कल का वीडियो देख लिया आप लोगों ने, कल मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, समझ में आ गया। हेलो हेलो, ये काफ़ी स्टूडेंट्स से नहीं हुआ था, जिन्होंने पहले नहीं किया उनसे तो हो ही नहीं सकता, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये भी लास्ट क्लास में हो चुका है, ये थोड़ा सा बता देते हैं, पूरी तरह तो नहीं कराऊंगा लेकिन कुछ चीज़ें फटाफट कर लेते हैं। हाँ जी, डायगनलाइजेबिलिटी एंड मिनिमल पॉलीनोमियल एक बहुत बड़ा आपके सामने डोरवे ओपन करके रख देता है, जिसके सहारे आप ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखे, पहले कभी नहीं किए, लेकिन ज़रूरत है मिनिमल पॉलीनोमियल के ऊपर मास्टरी करने की, और डायगनलाइजेबिलिटी का टॉपिक तो मास्टर करने की, बहुत अच्छा है। आइए, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भाई रियल सिमेट्रिक जो है वो हमेशा डायगनलाइजेबल होते हैं, कैसे भी कैसे का टाइम नहीं है, उसने नॉट पूछा है, तो ये डायगनलाइजेबल है, डी जी लिख रहे हैं। उसके बाद ज़रा लास्ट वाले पे आइए, रो सम नहीं कॉलम सम अगर आप देखें तो ये भी थ्री, ये भी थ्री, यानी थ्री इज एन आइजन वैल्यू और बाकी आइजन वैल्यू आप ट्रेस से निकाल ही लेंगे, एक थ्री हो गया, दूसरा अल्फ़ा हो गया, ट्रेस आपका पाँच है तो अल्फ़ा हो गया आपका टू, ठीक है ना, तो इसकी आइजन वैल्यूज़ हैं थ्री एंड टू। यस, अगर किसी मैट्रिक्स के पास डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज होंगी तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बनेगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, वही उसका मिनिमल पॉलीनोमियल भी है एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, मिनिमल पॉलीनोमियल हैज़ नो रिपीटेड रूट्स, देखो दिस इज डायगनलाइजेबल, एम आई राइट? जी हैं क्लास में? यस सर। अब बचा ए और सी, दोनों में आप देख सकते हैं टू थ्री टू है और ये टू थ्री थ्री है, रिपीटेड रूट्स हैं यहाँ पे, लेकिन पहले वाले में एफ एक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बनेगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री। आप सिंपली ये चेक कर लीजिए कि मिनिमल पॉलीनोमियल के लिए जो दो चॉइसेस हैं, एक तो ये चॉइस है, दूसरा ये, ज़्यादा नहीं आपको आफत नहीं करनी। हाँ जी, अगर मिनिमल पॉलीनोमियल ये हो गया तभी डायगनलाइजेबल होगा, क्योंकि रिपीटेड रूट नहीं होने चाहिए, कैसे चेक करेंगे, डाल के देख लो भाई, डाल के देख लो, इसी में डालिए ना a, अगर a माइनस टू आई मल्टीप्लाइड विद a माइनस थ्री आई आ गया, वो जीरो आ गया, तो यही आपका मिनिमल पॉलीनोमियल, अदरवाइज नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तो ये मेथड मिनिमल पॉलीनोमियल वाला मेथड मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, मैं उसको रिकमेंड भी करता हूँ, वो रीज़न बीइंग क्योंकि मिनिमल पढ़ते ही नहीं बच्चे, तो ऐसे करेंगे तो एटलीस्ट पढ़ तो लेंगे, नहीं तो आप ए एम जी एम वाला भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ए एम लेमडा इक्वल टू जी एम लेमडा आ गया तो भी आपका डायगनलाइजेबल हो जाएगा, जो भी मेथड है आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, बट आई लाइक दिस मेथड, तो कर लीजिएगा ए और सी पार्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, ये भी मैं करा देता हूँ, अगेन आ मास्टर पीस, लेकिन ये पिछले कुछ बरसों में मैंने दो तीन चार बार करा ही दिए, तो काफ़ी बच्चों ने किया हुआ था, बट स्टिल इट इज़ अ मास्टर पीस। सिक्स एन माइनस वन और सिक्स एन प्लस फोर, फटाफट से आ जाइए, ए सिक्स एन माइनस वन, दिस विल बी मैक्सिमम ऑफ साइन ठीक है ना, ठीक है, कॉमा कॉस हाँ जी साथ दीजिएगा आप सभी लोग, ये बन जाएगा साइन ये कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो जरूर बता देना। सो ये आपका टू पाई है, यही आपका फोर पाई है, यही आपका सिक्स पाई है, तो दिस इज टू एन पाई, टू एन पाई माइनस पाई बाई थ्री इज हियर एंड यू नो व्हाट विल हैपन देन, सो दिस विल बी, इसी को लिखा जा सकता है साइन माइनस पाई बाई थ्री,
ये हो गया आपका cos माइनस पाई बाई थ्री. यू नो वेरी वेल व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट. फरमाइए. हाँ जी साइन 60 माइनस में cos 60 प्लस में, बिकॉज cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा 1/2. इनका मैक्सिमम क्या है? 1/2. सो ये जो सीक्वेंस बना आपका a 6n माइनस 1, यही भी है ना, यही भी है. ये तो हाफ पे कन्वर्ज कर रहे हैं, और सी ऑप्शन के हिसाब से माइनस हाफ होना चाहिए. आए काश माइनस की जगह प्लस होता, ये राइट ना हो तो गलत. अब इसी तरह ए 6n प्लस 4, मैं छोड़ूंगा नहीं ये क्वेश्चन, मेरे को पसंद है. हेलो, ये आपको समझ में आ गया? यस, इज इट ओके? मैसेज कर रहे हैं, कुछ बोल भी दीजिए. यस सर, 6n प्लस 4 वाला देखिए. नहीं, वो देख के शक्ल, क्वेश्चन की शक्ल देख के ना कई बार बच्चे पहचान नहीं पाते. अब उसके साथ डील ही कर सकते हैं, अब तो और तो कुछ कर नहीं सकते. ए 6n प्लस 4, ए 6n प्लस 4 मैक्सिमम ऑफ हाँ ठीक है. भाई कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो प्लीज बता देना, ठीक है ना. 2n पाई प्लस 4, हाँ ठीक है, दिस इज फाइन. यस, दिस विल बिकम पाई प्लस पाई बाय 3. हेलो, अरे कुछ बता भी दो, तुम ही देना एग्जाम और किसी को नहीं देना. पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थर्ड, थर्ड में तो दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये आएगा 60 नेगेटिव, ये भी आएगा 60 नेगेटिव, दोनों का मैक्सिमम माइनस ऑफ. सो ए 6n माइनस 4, ये माइनस ऑफ पे जा रहा है. ये देखो सर, मतलब क्या मजाक कर रखे इन्होंने, ये भी गलत हो गया. जी बोथ कन्वर्जेंट हैं, ओनली वन गलत है. तो ये अगेन इसमें तो जहाँ साइन कॉस है वहाँ तो वैल्यूज डाल के देख लेना चाहिए बच्चों को, नहीं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, डील करना ही पड़ेगा आपको, देर इज नो शॉर्टकट. हाँ जी, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? यस सर. ये लास्ट क्लास में हो गया था, अगेन अ क्लासिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, काफ़ी बच्चों ने कर लिया, बट कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सिर पैर नहीं समझ में आ रहा था, कलम ने रेशियो थ्योरम वगैरह लगा के किए और कॉशिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स लगा के किए. यस अगेन साइन कॉस आई विल नॉट बी डूइंग फुल्ली, बट थोड़ा सा बता देते हैं आपको. देखिए शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, सिवाय इसके कि आप क्वेश्चन के साथ चलें. आइए, यस, अब आपको दिख रहा है, जो भी है छोड़िए, आंसर छोड़िए, वो क्या पूछ के रहे हैं, लिमिट पॉइंट्स तो पूछ रहे हैं. लिमिट पॉइंट का मतलब वो वैल्यू जो बार बार सीक्वेंस में आ रही है, या तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए आपको या दिखी जाए. अब देखो भाई, ये सीक्वेंस पूरे का पूरा बाउंडेड है, बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट बाय बुल्ज़ानर-स्ट्रॉस थ्योरम, बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बाय बुल्ज़ानर-स्ट्रॉस थ्योरम, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन्होंने सारा बोला सब कुछ निकाल लिया. सब कुछ निकालने में आप ये कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 वैल्यूज डाल दी और निकाल लिया, नहीं तो थोड़ा बहुत ऐसे ही देख लो. ये साइन है, ये कॉस है, साथ साथ हैं. अब साइन और कॉस का जो आपने चार्ट पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 11th क्लास में वो ऐसे ऐसे चलता है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाता है साइन कॉस, और पाई बाय 4 पे तो कंसाइड करता ही है. ज़रा मेरे को बताइए, ये सॉल्व ऑफ यू, व्हाट इज ए 4n? हेलो, क्लास में हो या गायब हो गए सब? हाँ साइन एन पाई 0 और कॉस एन पाई माइनस 1, तो 0 प्लस माइनस 1 पावर एन, पावर एन, ए 4n बिकम्स माइनस 1 पावर एन. अब आप सबको पता है जब एन इवन होगा तो प्लस 1 आएगा, जब एन ऑड होगा तो माइनस 1 आएगा, तो इसके दो लिमिट पॉइंट्स तो दिख रहे हैं 1 एंड माइनस 1.
तो भैया अब यहाँ भी प्लस माइनस वन है, यहाँ भी प्लस माइनस वन है, इसमें प्लस माइनस वन है, और ये रूट टू देख के लोगों को डर लग रहा है कि साइन और कॉस तो हमेशा 0 1 के बीच में रहते हैं, रूट टू कहाँ से? अरे इनका सम है भाई, इनका सम है। एक एंगल 45 डिग्री का ऐसा होता है जिसमें साइन और कॉस दोनों को इंसाइड करते हैं। तो 45 डिग्री अगर यहाँ आ गया, मतलब एन को मैंने 1 पुट कर दिया दोनों में, तो साइन 45 कॉस 45 यानी 1/√2 प्लस 1/√2 विल बिकम 2/√2 विल बिकम √2। इज दैट ओके? सर देर इज नो शॉर्टकट प्लीज। पिछला क्वेश्चन भी ऐसे था, आपको अंदर घुसना ही पड़ेगा। ऐसे ही बता दो जरा, ऑल ऑफ यू ऐसे देख लीजिए, ये लिखा है आपके सामने साइन प्लस कॉस। आई एम आस्किंग एट 5/4 कितना वैल्यू देगा, दोनों कितना देगा यार, कुछ बता भी दो। डायरेक्टली लाइव क्लास में आए हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं भाई, इतना ही तो सोचना है, इन तो पूरा खोल के रख दीजिए कि आप क्या इशू है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है ये आपको। यस 0 5/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10 इज दैट ओके? सब कुछ खुल के आपके सामने आ गया, एवरीथिंग सब कुछ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, प्लीज इसको कर लीजिएगा। इसका क्या आंसर करेक्ट है, कोई बता सकता है? सी। अरे ये रूट टू आएगा भाई, मैं तो कमाल कर रहा हूँ यार, दिल ही तोड़ दिया मैंने। हटो यहाँ से, अभी दिखाया भी आप लोगों को फिर भी ऐसे करते हैं। हाँ जी, ये कितना वैल्यू देगा? रूट टू। अभी देखिए थोड़ा लॉजिक लगाइए प्लीज, सभी बच्चे सामने देखेंगे। अगर ये वैल्यू 5/4 एंगल पे सेम आ रही है, 5/4 एंगल पे दे रही है भाई, आप सबको पता है साइन थीटा कॉस थीटा या थीटा फॉर एनी थीटा, अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में एंगल बनाएंगे थीटा, तो उसी थीटा पे आप वापस लौट के आ सकते हैं जस्ट बाय एडिंग 2π, जस्ट बाय एडिंग 4π, जस्ट बाय एडिंग 6π। एम आई राइट? हेलो। यस सर। तो जब साइन कॉस में एक बार कोई एक वैल्यू आ रहा है, तो वो वैल्यू 2π ऐड करने के बाद बार बार आएगा ही आएगा भाई, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। रूट टू विल कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, ये रही वैल्यूज आपको दिख जाएंगी, दिख जाएंगी। देखिए समझिए, 5/4 3π/4 5π/4 7π/4 9π/4 वापस आ गए, समझ रहे हो? जी सर। बस ऐसे घूमते रहना, ऐसे पता तो लग ही जाएगा, सब पता लग जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, उधर माइनस आ जाएगा, उधर एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, यू नो व्हाट, इधर दोनों प्लस में आएंगे रूट टू मतलब 1/√2 1/√2 प्लस में, इधर दोनों -1/√2 -1/√2 माइनस में, और यहाँ एक प्लस में एक माइनस में विल बिकम 0। एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर। इधर भी वही होगा, तो क्या क्या इशू है? ये तो रहा आंसर, आ तो गया, सब कुछ तो बता दिया, बट देर इज नो शॉर्टकट प्लीज, आपको डील ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ये लास्ट क्लास में कराया था भाई, ये क्वेश्चन TIFR का है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लास्ट क्लास में करा चुका हूँ कल। आगे आ जाओ, ये भी लास्ट क्लास में हो गया है, ये करा देते हैं आपको, ये कराने लायक है भाई, जिन बच्चों ने झंडे गाड़े हुए हैं। देखिए एक होता है अकेडमिक्स की तरह जो आपने पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही रूटीन में क्वेश्चन उठ के आ जाए एग्ज़ाम में, ऐसा बहुत कम होता है। यूजुअली पुराने एग्ज़ाम्स में फिर भी होता था, लेकिन नए एग्ज़ाम्स में तो कुछ मतलब सिर पैर ही नहीं जुड़ रहे कि जो कॉलेज में पढ़ के आए हैं वैसे के वैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी का है, ज़रा ध्यान से देखिए, ये और ये इन्होंने बोल दिया क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और आप प्लीज़ नोट करिए कि ऑप्शन में तो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, कुछ सिर पैर नहीं समझ में आएगा इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कर लेंगे। आइए जरा देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये कराने लायक क्वेश्चन है। हम सबको पता है टू डायमेंशन में टू वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव को, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, उन्होंने क्रिटिकल पॉइंट दिए हैं, यू डोंट हैव टू फाइंड, उनको डील करें, क्रिटिकल पॉइंट को डील कीजिए। उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, FXX FXY FYY
एसी माइनस बी स्क्वायर लेते हैं, एंड यू नो उनका साइन मैटर करता है, एसी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, याद है आप लोगों को मेथड? वो रूटीन है, और मतलब ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है अब, कि उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाए। आप 10 क्वेश्चन करिए टू वेरिएबल के, 10 में से 8 में तो वो आएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाला, और बस वहीं बच्चे का क्वेश्चन खत्म हो गया अगर उसको उस तरह के क्वेश्चन करने की आदत नहीं है तो। ज़रा इस क्वेश्चन को करते हैं, आइए ध्यान दीजिए। एफ दिया हुआ है, कितने बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, सच सच बताओ, एटलीस्ट जो जुड़े हुए हैं वो तो सच बोले। यस सर, मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है आप लोगों को कि वो वाले क्वेश्चन जरूर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे जो नहीं हो रहे हैं। वो थोड़ा बहुत अंदेशा तो होता ही है, आफ्टर ऑल पेपर तो हम ही ने बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, टेस्ट 9 मे बी शायद कल 10 बजे तक हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। भाई आप सभी लोग टेस्ट 9 जरूर दीजिएगा, पहले एग्ज़ाम देते रहे हैं तो भी, कुछ बीच के एग्ज़ाम छोड़ दिए तो भी, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो भी, ख़राब आ रहे हैं तो भी, और मीडियम आ रहे हैं तो भी, टेस्ट 9 के बाद में लगभग स्टूडेंट्स को खुद ही कॉल करूँगा, तो वो एक तरह से आपको देना ज़रूरी है। ओके, आप भी दो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, हेलो आर यू लिसनिंग, यस सर, आप भी दीजिए अपने फ्रेंड्स को यस कॉल। सर, हाँ जी, और वो उसको ही सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मे भी शायद मैं 9th टेस्ट, वो 8th ना करूँ, 9th ही कर लूँ सीधा डिस्कस, वो बट वो करना है मुझे। वो आपके लिए भी है उसमें बहुत कुछ, आप सबके लिए, ग्रुप में भी डाल देना, अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिएगा प्लीज़। आइए ज़रा, हाँ जी, एफ है 5 माइनस अल्फा प्लस बीटा x² प्लस बीटा y² प्लस, ओके, हाँ जी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, दिस इज 0 माइनस 2x अल्फा प्लस बीटा प्लस 3x², ठीक है, व्हाट इज एफ वाई, जी अब क्या करेंगे? अरे नहीं निकालना भाई, निकला हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं, प्लीज नोटिस करिए, अल्फा बीटा का वैल्यू भी पूछा उसने, तो अल्फा बीटा का वैल्यू तो इन्हीं से आ जाएगा, ये क्रिटिकल है, तो पार्शियल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 होने चाहिए दोनों, पार्शियल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे भी 0 होने चाहिए, जरा साथ आइए एवरीवन, आईज ऑन द बोर्ड, ये इसमें सिर्फ एक्स का टर्म दिख रहा है, इसमें सिर्फ वाई का टर्म दिख रहा है, ये वाई का टर्म 0, यू नो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है हालांकि ये क्रिटिकल है तो दोनों ही इस पॉइंट पे 0 होने चाहिए, बट अगर थोड़ी सी भी आप समझदारी दिखाएंगे तो एफ एक्स एट 4 0 इवेलुएट करना और एफ वाई एट 4 0 इवेलुएट करना। देखिए इफ़ यू आर गोइंग टू इवेलुएट एफ वाई एट 4 0 यू विल गेट नथिंग, बिकॉज यहाँ तो खाली वाई की टर्म है तो यहाँ वाई 0 है, आर यू लिसनिंग? जी सर, एक में ये यूज कर लेना दूसरे में, वो हो जाता है ऑब्जर्वेशन से, नहीं तो सारे लिख दीजिए, सारे लिख दीजिए, आइए साथ दीजिए एवरीवन, जी बिकॉज ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो एफ एक्स एट 4 0 शुड बी 0, दूसरा एफ एक्स एट 0 माइनस हाफ शुड बी 0, जी जरा साथ है, ये मैंने दोनों पॉइंट्स एफ एक्स के लिए ले लिए, अब यहाँ पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो इसको मैं अगर इसमें डालूंगा अभी तो मुझे कुछ मिलेगा थोड़ा ना, समझ जाओ भाई, इतना तो समझदारी दिखती है, तो यहाँ डालते हैं, ज़रा देखें क्या आएगा, -8 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 इंटू 4 सॉरी 3 इंटू 48, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इतना पता लग गया आपको कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है, 6 6, हेलो, जी सर, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा 6 यहाँ से दिख रहा है, बट एक और इक्वेशन से शायद एग्जैक्ट वैल्यूज भी हो जाए, हाँ जी दूसरे वाले के लिए आइए, ये वाला यूज करेंगे एफ वाई में, यस ठीक है, सो ये बन गया -β+3/4 α+1 = 0, यानी -4β+3α+3 = 0, ठीक है, दैट मीन्स 3α - 4β = -3, हाँ जी इधर आ जाइए, 3α+3β = 18 यहाँ से, और 3α - 4β = -3 वहाँ से, यू नो व्हाट टू डू,
थैंक यू वेरी मच. तो बीटा कितना आ गया? 3 आ गया. इफ बीटा इज 3 देन अल्फा इज 3. थैंक यू वेरी मच. एंड दैट मीन्स एटलीस्ट ये तो पता लग गया. एक ऑप्शन तो आ गया. आप फोटो लेना चाहें ले सकते, नहीं तो आगे चलते हैं. आगे चलें. ओके नेक्स्ट थिंग. तो अल्फा और बीटा का वैल्यू एग्जैक्टली 3-3 है. अल्फा भी 3 है और बीटा भी 3 है. ये वैल्यूज उठा के मैंने पार्शियल डेरिवेटिव्स में डालनी है. साथ आइए पहले. जी ये पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा 6 - 12x. ठीक है ना? ठीक है. 3 3 sorry. अल्फा बीटा 3 है ना, एक्स थोड़ा ना 3 है. 3 3 6. हाँ ठीक है. ओके. और ये क्या बन गया? ठीक है आओ. यस ए एफ एक्स एक्स होता है -12 + 4x. बी एफ एक्स वाई होता है 0 हो जाएगा. सी एफ वाई वाई लेते हैं. एफ वाई का वाई में, वाई का वाई में 6 + हाँ जी यहाँ तक ठीक है. Yes, साथ है ये अब वो गया उधर, छोड़ दीजिए अब ये इनको, बिकॉज बाकी तीनों बाकी 12 + 6 है. क्या बोल रहे हो भाई, मुझे तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा. एफ पार्शियल डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है. Yes, sir. क्या प्रॉब्लम है? -12 2 × 6 - 12 + 3. ठीक तो -12 + 6x. अच्छा सॉरी. ठीक है भाई थैंक यू. अच्छा ये कह रहे हैं. ओके यही ना? हाँ ठीक है. ओके जी सर. हाँ जी आइए. अब ये ए बी सी आपको इन इन्हीं पॉइंट्स पे निकालने हैं. निकाल लीजिए. यस व्हाट विल हैपन टू दिस एंड दिस एट 4, -1. हाँ जी एक्स को 4 रखा और वाई को -1 रखा. जब आपने एक्स को 4 रखा तो ये बन जाएगा -12 + 24. सो दैट इज 12. ओके और सी कितना बन जाएगा? एट -6 - 12 दैट इज -6. यस व्हाट इज ए सी? -b² हाँ जी प्लस माइनस माइनस और ये तो है ही नहीं. ओहो समझ में आया जी. यस सर. जब ए सी -b² नेगेटिव होता है तो क्या होता है? तो बारिश आती है. ए सी -b² नेगेटिव. थैंक यू वेरी मच. बाकी सब बकवास. तो भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था सच में था. सबको क्लियर हो गया? बस यही करना है. बस ये थोड़ा ट्रेडिशनल से अलग हटके एग्जाम टाइप प्रॉब्लम है. उन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो रूटीन मेथड से बिल्कुल सर्वथा अलग. पहले इसका यूज़ करके आपने अल्फा बीटा निकाला, फिर ऑप्शन पे वापस गए और ये पॉइंट्स पे आपने सैडल पॉइंट निकाल लिया. क्लियर हो गया? यस हाँ जी. ये क्वेश्चन था डिस्कस करने लायक. क्या हो गया, आवाज़ नहीं निकल रही है? डिप्रेशन में चले गए? यस सर. ओके ये कल करा चुका हूँ मैं आप लोगों को. ये भी बता चुके हैं लास्ट क्लास में. ये भी हो गया, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया. दिस इज भाई दिस इज क्लासिक. कितनी बार ही कर लो ऐसा क्वेश्चन तो बच्चा याद करके भी क्या करेगा बेचारा. लास्ट क्लास में ये भी हो गया. अब आइए आते हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन के पास. आइए जी आइए फटाफट आइए. इफ an इज पॉजिटिव एंड लिमिट ऑफ an पावर 1/n इज l व्हिच इज लेस देन 1 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर कन्वर्जेंट. पहले देखो. यस लिमिट n गोज टू इंफिनिटी un पावर 1/n पर समेशन un दिया हुआ है जहां पॉजिटिव टर्म सीरीज है. हां जी अगर ये लेस देन 1 होता है तो देयरफॉर बाय कॉशिस रूट टेस्ट याद है किसी को? व्हाट विल हैपन? सिलेबस चैंपियंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज पॉजिटिव तो आधी चीजें तो वैसे दिख रही हैं आपको लेकिन आप देखने ही नहीं चाह रहे. यस लिमिट ऑफ
an power 1 by n is equal to something which is less than 1. Achha ji. So this implies summation an is convergent. Achha, iske saath saath sare ke sare an positive diye hue hain. अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसका स्क्वायर भी कन्वर्ज करता है. रिजल्ट याद है आप लोगों को, सबको कराया है भाई, मना मत करो. यस सर, ये तो आप सबको कराया गया है. तो ये तो हो गया जी, ये कन्वर्जेंट पक्का. वेट, अब ये एक टिक लगा के आगे बढ़ गए, वो वाली सिचुएशन नहीं है. अब तो आप मल्टीपल वाले में आए, अब तो सब कुछ करना पड़ेगा. यही तो असली नॉलेज है, असली टेस्ट यही है. असली टेस्ट टेस्ट नंबर 9 होने वाला है आपका. आइए साथ दीजिए. हाँ जी, पहले वाले पे फटाफट आइए. ये जी एम है, यस, जी एम लेस देन इक्वल टू एम होता है. हाँ जी सर, होता है. तो अंडर रूट में ए एन इन टू ए एन प्लस वन, विल इट बी लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन डिवाइड बाई टू? हाँ तो बोल दो कम से कम. होगा जी सर. इसको डिवाइड बाय टू और इसको भी डिवाइड बाय टू, और अगेन वही पुरानी पिक्चर जो मैं आपको पिछले 2-3 साल से लगातार दिखा रहा हूँ. मना तो कर नहीं सकते आप, अभी भी है, साथ जुड़े रही है. बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा. हाँ जी, ये बड़ा सीरीज हो गया, ये छोटा सीरीज हो गया. यस, बिकॉज ए एन कन्वर्जेंट है. सो दिस इज कन्वर्जेंट, ए एन बाई टू इज कन्वर्जेंट, एंड ए एन प्लस वन बाई टू इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट. इफ द बिगर सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो इज द स्मॉलर वन. इज दैट ओके? ये तो कन्वर्जेंट है. ए कन्वर्जेंट है, बी कन्वर्जेंट है, सी. हाँ जी, अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो ए एन का स्क्वायर भी कन्वर्ज ही करेगा. अभी बताया ही है. अब बस आखिरी वाले पे आइए, डी. डी पे आइए, देखिए. लेट मी राइट. हाँ जी, देयरफॉर व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी? ये मैं अभी कराऊंगा, रुको. ये दिस इज नॉट एन, दिस इज रूट एन विल बी डूइंग. सॉरी सॉरी फॉर दैट, पहले ये करते हैं. दिस इज सेम एज लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी. जी, ए एन पावर वन बाय एन, एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है उसका लिमिट. तो ये हो जाएगा अंडर रूट में वन बाय एल, यानी वन बाय रूट एल. अब आप बताइए जरा, आप सभी लोग, यस स्टूडेंट, आइए जरा. एल है वन से कम और ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो ऐसा रहेगा. फटाफट बताना भाई, अगर एल इनके बीच में लाई कर रहा है तो क्या रूट एल भी इनके बीच में लाई करेगा? हाँ तो बोल दो कम से कम. तो अगर रूट एल वन से कम है तो वन बाय रूट एल वन से ज्यादा है, तो दिस क्वान्टिटी इज लेस देन वन. यस प्लीज याद कीजिए, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी यू एन पावर वन बाय एन. कॉशियस रूट टेस्ट लगा रहे हैं हम. यू एन पावर वन बाय एन अगर एक से ज़्यादा है तो डाइवर्जेंट का केस है. सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट. डी पार्ट गया. अब बाकी बचा आपका बी. बी पार्ट, बी फॉर बॉम्बे, वो मैं यहाँ कर देता हूँ. यस, समेशन वी एन ले लीजिए, समेशन रूट एन. हाँ जी, वॉट इज वी एन? ऐसे देख लो, वी एन पावर वन बाय एन का लिमिट क्या है? So this is root an power 1 by n, and this will become an power 1 by n का under root. इसका limit कितना बता रहे हो? Under root of l. अभी बात की तो अगर l 1 से कम है तो root l भी 1 से कम है, because positive था. This is strictly less than 1. हाँ जी, vn power 1 by n का limit 1 से कम आ रहा है, तो by Cauchy's nth root test समझ में आ गया? Hello? Yes sir. तो ये भी class question है, classic question. Next. हर बार दिया जा रहा है, स्टिल 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 बच्चे एंजॉय भी करते हैं ऐसी चीज़ों को. जब उनसे क्वेश्चन होते हैं तो उनको अच्छा लगता है. हर बार सिर्फ क्वेश्चन में ये चीज़ सेम होती है, ऑप्शन अलग होते हैं. आइए, आर बाय जेड के बारे में हमने टेस्ट 5 में आपसे बहुत बातें की हैं. आर बाय जेड, हाँ जी, दिस हैज सेंटर विच इज़ नॉन साइक्लिक. देखिए, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप. अगर इसको जी बुला रहे हैं तो दिस इज अबेलियन, बिकॉज ग्रुप अबेलियन है. तो दिस इम्प्लाइज जी और जेड तो सेम हो जाएंगे. जी सेम एज जेड जी, तो जो जी करेगा वही जेड जी करेगा. जी नॉन साइक्लिक है आर बाय जेड, तो ये भी नॉन साइक्लिक है, बिल्कुल सही है. बी, दिस कंटेन्स अ सब ग्रुप विच इज नॉट नॉर्मल, आउट ऑफ क्वेश्चन. इन एन अबेलियन ग्रुप एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, बकवास. सी पार्ट, कंटेन्स एटलीस्ट वन प्रॉपर सब ग्रुप विच इज इनफाइनाइट बट नॉन साइक्लिक. जी, इसमें चक्कर है, चक्कर तो क्या ही है. क्या
बताइए, आप ही बता दीजिए। लास्ट वाला सिंपल, सिंपल में क्या होता है, इन अ सिंपल ग्रुप वी हैव ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, बट यहाँ तो बहुत सारे सब ग्रुप्स मिलेंगे तो सारे के सारे नॉर्मल ही हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आर बाय जेड का सब ग्रुप चाहिए, तो भाई ये क्यू बाय जेड इसका सब ग्रुप है, और क्यू बाय जेड ऐसा सब ग्रुप है जो ना तो ग्रुप के बराबर है और ना ही आइडेंटिटी के बराबर है। इज दैट ओके? यस तो ये नॉर्मल का भी तो काम करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि अबेलियन ग्रुप है, तो ये तो गया। अब सी पार्ट बताइए, दिस कंटेन्स कम से कम एक प्रॉपर सब ग्रुप विच इज इनफाइनाइट बट नॉन साइक्लिक। प्रॉपर सब ग्रुप की बात हो रही है। अरे अभी लिखा तो था, कहाँ ध्यान है यार, मतलब आपको डायग्राम बना के बताए हैं सब कुछ, अभी तो लिखा था। हाँ, क्यू बाय जेड का खेल भी नहीं रहा। तो दिस इज अ प्रॉपर सब ग्रुप विच इज नॉन साइक्लिक, इनफाइनाइट तो है ही, ठीक है, तो ये वाला भी ट्रू। बट ये क्लैरिटी के साथ आपके सामने आ जानी चाहिए चीज़ें। अगर इस तरह से आपने कर लिया है तो यू आर एट अ वेरी गुड स्टेज। चलिए नेक्स्ट, ये भी पिछले 2-3 टेस्ट से लगातार आ रहा है, स्टिल अगर इतने के बाद भी बच्चे से नहीं हो रहा तो भाई ना सिर्फ बच्चे को शर्म आनी चाहिए बल्कि मुझे भी शर्म आनी चाहिए। बच्चे मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए अब तो। एफ ए बी यानी मैक्सिमम में भी, याद है ना वो वाला दिन जब आपको निकाल के बताया था कि मैक्सिमम है जी सर। जी। अब आइए जरा, ए का मतलब कॉन्टिन्यूटी देखना है और बी का मतलब डिफरेंशिबिलिटी देखना है। यस, ये मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। लास्ट टेस्ट में, टेस्ट नंबर 5 में मान लीजिए ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ए का, और ये ग्राफ है y इज इक्वल एक्स का, इन दोनों का मैक्सिमम निकालना है। अभी इन दोनों का मैक्सिमम ये है, ये उस इस पॉइंट के बाद इन दोनों का मैक्सिमम ये है। यस, इज देर अ शार्प एज? वेल देर इज अ शार्प एज, तो वो दैट इज अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पक्का। सो दिस इज, यस ये दिख रहा है आपको, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल 100% एट एक्स इक्वल टू ए, एम आई राइट? हाँ जी। तो ए में आएगा ए कॉन्टिन्यूटी, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, वो तो कॉन्टिन्यूस है ही। तो ए हो गया आपका पूरा का पूरा रियल लाइन, और बी हो गया आपका रियल लाइन माइनस ए, इज दैट ओके? जी सर। दोनों में फर्क है, कार्डिनलिटी वो भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, कार्डिनलिटी तो सेम रहेगा। हाँ जी, ए और बी का डिफरेंस सिर्फ एक ही पॉइंट है ए, बिल्कुल ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन, ये लेस कैसे हो जाएगा भाई, लेस थोड़ा ना होगा, और ये ग्रेटर पूछ रहे हैं वो ग्रेटर भी नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस नेक्स्ट, अगेन ग्रुप थ्योरी का टिपिकल क्वेश्चन, बट कर लेते हैं। जी इज अ ग्रुप इन विच ए बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन जी इज अबेलियन, ट्रू है। ए स्क्वायर इज ई, देन जी इज अबेलियन, ये भी ट्रू है। जी इज अ ग्रुप सो दैट ए स्क्वायर इज ई फॉर ऑल ए वेयर, ओके वेल पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, याद है आप लोगों को? यस सर। तो ये फॉल्स है, और डी पार्ट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57। जी 57 को आप क्या लिख सकते हैं? सिंगल तो 3 less than 19 से, बट 3 तो डिवाइड कर रहा है ना, यस सर। तो दिस नीड नॉट बी, ऐसे दो ग्रुप्स मिलेंगे आपको, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक, एक अबेलियन दूसरा नॉन अबेलियन, ये गलत है, सही है इसको। ए और बी में भाई ए बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ये तो वेल नोन रिजल्ट है। ये दूसरे वाला देख लो, अगर आपके पास ए स्क्वायर ई है फॉर ऑल है, तो यहाँ से ए इक्वल टू ए इनवर्स आएगा फॉर ऑल है, यानी एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, सारी किताबों में गिवन है, इन ऑल बुक्स, इन एवरी बुक यू विल गेट दिस रिजल्ट, इफ एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स देन ग्रुप इज अबेलियन। तो आराम से हो गया, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ जी सेम, पहले ये वाला करते हैं, लास्ट वाला करते हैं, क्योंकि 57 अभी अभी आया ही था। आइए भाई, सबसे पहले इधर आ जाइए। 57 कैन बी रिटन एज 3 into 19, 3 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर अगर इसको डिवाइड कर रहा है बाई कॉशिस थ्योरम, देर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्योंकि प्राइम है, बाई कॉशिस थ्योरम अगेन देर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 19, तो जो 19 ऑर्डर का एलिमेंट होगा वो 19 ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप जनरेट कर देगा,
तो ये आपने लिया ऑर्डर ऑफ ये जो है 19 है। अच्छा जी, अगर ये 19 ऑर्डर का सब ग्रुप यूनिक हो गया तो नॉर्मल हो गया, यूनिक मीन्स नॉर्मल है ना। तो देखिए जरा, इफ एच नॉट इक्वल टू के, दो सब ग्रुप्स हैं और ऐसे हैं कि जिसके लिए दोनों को ऑर्डर आपका 19 है, देन वॉट विल बी ऑर्डर ऑफ एच के। तो ये तो रूटीन मेथड है, जिन्होंने भी किताब पढ़ी है आप रुक नहीं सकते, आप बच नहीं सकते, बस साथ रहो। तो दिस इज 19, ये भी 19 डिवाइडेड बाई इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 19 आएगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इंटरसेक्शन का ऑर्डर नहीं निकाल रहे और चले एवरेस्ट पे चढ़ने, वो तो हो नहीं सकता। डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच एन, वो एक ही बात है, ये 19 है, 19 को क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसका इंटरसेक्शन का ऑर्डर 19 हो गया, अगर ये 19 हो गया तो यहाँ से पता लगेगा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इक्वल्स 19, 19 बराबर है ऑर्डर ऑफ एच के और 19 ही बराबर है ऑर्डर ऑफ के, यानी इस सब ग्रुप का ऑर्डर एच के बराबर है और इसी सब ग्रुप का ऑर्डर के बराबर है। तो एच इंटरसेक्शन के एच के बराबर हो जाएगा और एच इंटरसेक्शन के बराबर हो जाएगा, यानी एच और के भी आपस में बराबर होंगे, वो तो अपने अनइक्वल लिए थे, तो इसका ऑर्डर 19 नहीं हो सकता। क्लियर है भैया, ऐसी चीज़ें बहुत बार आई हैं, तो वन ही होगा। हाँ जी, ये 19 का स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, यहाँ जो सबसेट बन रहा है उसमें 19 स्क्वायर एलिमेंट्स हैं और ग्रुप में सिर्फ 57 है, इज इट पॉसिबल? नो सर। तो बस हो गया, तो यहाँ से आपको पता लगा ऑर्डर 19 का ग्रुप एक ही, सब ग्रुप एक ही है। अगर कोई किसी ग्रुप में एक पर्टिकुलर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप मिलता है तो नॉर्मल होता है वो या नहीं होता है? यस सर। तो आराम से हो गया, इस तरह की चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, अब ए बी सी, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच इज अ प्राइम नंबर, यस थ्री, हाँ जी एस थ्री में ले लीजिए। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एस थ्री बाय ऑर्डर ऑफ एच, सो दैट इज 6/2, ये थ्री है, ये प्राइम है, बट ये नॉर्मल थोड़े ना है, ये तो गलत हो गया। हाँ जी, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इज ऑलवेज नॉर्मल, ये भी ठीक है, देयर एग्जिस्ट नॉर्मल सब ग्रुप्स। अगर ए और बी नॉर्मल है, ए नॉर्मल है, बी नॉर्मल है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स भी नॉर्मल है ना, ये रिजल्ट होता है। सब ग्रुप भले ही ना हो लेकिन नॉर्मल में नॉर्मल हो जाएगा, दैट ओके, दिस इज ए बी ना। हाँ जी, कहाँ घूम रहे हो भाई, ये भी ट्रू है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल इज नॉर्मल। नेक्स्ट, आगे आइए, अभी तो काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है। यस, क्लासिक क्लासिक क्लासिक, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिकल हिस्ट्री, ज़्यादा बड़ी बात कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ एफ इनवर्स आ रहा है वो देखने में ही परेशानी वाला लगता है, उसमें कोई कभी कोई परेशानी नहीं होती है एफ इनवर्स वाले में। एफ इनवर्स सब कुछ फॉलो करता है, कायदे से एफ को फॉलो करना चाहिए लेकिन एफ नहीं फॉलो करता इन जनरल, एफ इनवर्स विल फॉलो एवरीथिंग, आप प्रूव भी कर सकते हैं। एफ इनवर्स ऑफ यूनियन इज यूनियन ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ इंटरसेक्शन इज इंटरसेक्शन ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यू कैन प्रूव आराम से, ये वाला ट्रू नहीं होगा इसमें। मैं एक दो पार्ट करके बता देता हूँ, सी वाला पार्ट देखिए, आप लोग साथ जुड़े हुए ही नहीं है, कई लोग तुम्हारे में से साथ ही नहीं जुड़े हुए। नहीं, मैंने कॉन्स्टेंट फंक्शन वन ले लिया, ए ले लीजिए 0, बी ले लीजिए 1, This is everything, every element, everything goes to one. सबका इमेज आपने वन ले लिया। अच्छा जी, देयरफोर जरा मेरे को बताइए व्हाट इज एफ ऑफ ए, यहाँ किसी भी चीज़ का इमेज लेंगे वो तो वही बनेगा 1। व्हाट इज एफ ऑफ बी, इज ऑल्सो 1। व्हाट इज एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी, 1 इंटरसेक्शन 1 इज 1। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब जरा दूसरा देखिए, ए इतना है बी इतना है तो ए इंटरसेक्शन भी कितना है, वो है ही नहीं। तो व्हाट इज एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो भी 5 आएगा। तो क्या ये सेट और ये सेट आपको बराबर लग रहे हैं, साथ ही नहीं जुड़े हुए हैं, कहाँ से बराबर कैसे कंक्लूड करेंगे? तो एफ परेशान करता है, इनवर्स परेशान नहीं करता, इसमें तो बहुत बात हो सकती है।
अब जरा मैं इनवर्स के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेता हूँ. बी पार्ट पे आइए. बी फॉर बॉम्बे. एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. दिस इज इफ एंड ओनली एफ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट. मतलब एफ एक्स जो है ए में नहीं है, ए में नहीं है तभी तो कॉम्प्लीमेंट में. लो भाई, क्या वहां से आप ये नहीं कह सकते? यही तो मीनिंग होता है इसका. अगर एक्स एफ ए में नहीं है तो कहाँ होगा? अरे इसको कॉम्प्लीमेंट में होगा यार. एन ऐसे क्या मक्खन की तरह चलना चाहिए. लेकिन आपको तो क्या ही बोले. हाँ जी, जो एलिमेंट इधर था वो एलिमेंट इफ एंड ओनली करते हुए इसमें चला गया. तो एज अ सेट दिस एंड दिस इक्वल होंगे या नहीं होंगे बताइए. बोलिए बोलिए, सब हो जाएगा आराम से, आराम से हो जाएगा. ऐसी ऐसी कर लीजिए. नेक्स्ट आइए 37. इफ समेशन एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. यस. व्हाट इज मॉड ऑफ -1 पावर एन -1 ए? दिस इज मॉड ऑफ एन. अब ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिया हुआ है तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया. यानी ये जो सीरीज है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ रही है तो कन्वर्जेंट भी हो गया. दूसरे वाला, व्हाट इज मॉड में एन साइन एन? हाँ जी, दिस इज मॉड में एन, मॉड में साइन एन. साइन हमेशा वन से लेस रहता है तो दिस इज 11 इक्वल टू मॉड एन. हाँ जी, ये छोटा और वो बड़ा, बड़े वाला तो कन्वर्जेंट कह रहे हैं, वो छोटा भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी कन्वर्जेंट. तीसरा, ए रेस टू पावर एन इज डाइवर्जेंट. ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द लिमिट ऑफ nth टर्म? 1. इसका पावर 0 कैसे आया भाई? ये कन्वर्जेंट है ना, कन्वर्जेंट है तो nth टर्म का जो लिमिट लेंगे वो 0 हो जाएगा. नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. लास्ट वाला पार्ट. यस, समेशन an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. This implies summation mod an is convergent. अब आप सबको पता है भाई, अगर नॉन नेगेटिव टर्म का सीरीज, नॉन नेगेटिव टर्म है मॉड, नॉन नेगेटिव टर्म का सीरीज कन्वर्ज करे तो उसका स्क्वायर भी कन्वर्ज करेगा. ऐसी है या नहीं है? जी सर, ये भी ट्रू है. सॉरी, ये तो डाइवर्जेंट कह रहे हैं, फॉल्स हो गया. और ये वाला ट्रू है क्योंकि डाइवर्जेंट सच में. चलिए नेक्स्ट, अगले पे आ रहे हैं. हाँ जी, कितने, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई इस क्वेश्चन में? ये ऐसे नहीं होगा, ब्लिंक ऑफ एन आई से नहीं होगा. ये जो अपने आप को चैंपियन समझते हैं ना, ये क्वेश्चन करना चाहिए था. किसी को प्रॉब्लम हुई? यस, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले रहे हैं पहले. आइए, वन एच टू फोर एट के. अगर एक्लेन फॉर्म पढ़ा है आपने, इसके हेल्प से इसको जीरो बनाया जाता है. और ये जीरो एट माइनस फोर एच, और ये हो जाएगा के माइनस एट. हाँ जी, सभी महारत ही देखें अगर आपने कभी पढ़ा है तो. ये x1 वेरिएबल जो भी सॉल्यूशन देगा, ये इट्स लाइक ए एक्स इक्वल टू बी में ये जो x होता है वो ऐसे होता है ना, x1 x2 x3 कॉलम वेक्टर, इसी के लिए तो सॉल्व करते हैं. तो पहले वाला डील्स विद x1, दूसरे वाला डील्स विद x2. जरा साथ आइए. अगर भाई ये क्वांटिटी तो जीरो है, सेकेंड वाले रो के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ये भी जीरो हो गया और वो नॉन जीरो हो गया, मान लो एट माइनस फोर एच तो जीरो हो गया और के माइनस एट नॉन जीरो हो गया, तो क्या सिस्टम बनेगा अगर ऐसा हो गया तो? हाँ, सभी गधों के लिए. अरे हाँ भाई, ये एक्स वन, ये एक्स टू और ये नॉन जीरो. अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो पहले वाले से मिलेगा एक्स वन प्लस एच एक्स टू इज टू, दूसरे से मिलेगा जीरो इक्वल टू नॉन जीरो. इज दैट अ साइन ऑफ कंसिस्टेंसी? अरे वो तो इनकंसिस्टेंट है भैया, एम आई राइट? दैट मीन्स एच आपका टू हो गया और के एट के बराबर नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज इनकंसिस्टेंट. तो ये वाला ट्रू है, बाकी आगे करके देख लेते हैं. ये कह रहे हैं दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ एच इज नॉट टू, के बारे में कुछ नहीं. ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, आते रहे. आइए जरा बात करते हैं. यस,
यस बी पार्ट एच दो नहीं है सर व्हाट अबाउट के भाई दो ही चीज़ें हो सकती हैं या तो आठ के बराबर होगा या नहीं होगा दोनों करके देख लो करके देख लो यस एच टू नहीं है अगर एच टू नहीं है तो यहाँ नॉन जीरो भाई पहले वाले में आइए ये बन गया वन एच टू दिस इज जीरो दिस इज नॉन जीरो वट एवर द थिंग इज बट नॉन ये ना एच टू के बराबर नॉन जीरो अब के अगर एट है तो यहाँ जीरो हाँ जी ऑल ऑफ यू नींद से जागो प्यारे ये एक्स वन है ये एक्स टू है तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो में तो आपको मिलेगा एक्स टू जीरो और जब फर्स्ट रो के साथ आएंगे तो आपको मिलेगा x1 प्लस एच एक्स टू इज टू एक्स टू तो जीरो था यानी x1 टू क्या ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं है बोल दो भैया तो पहले वाले में मिल गया आपको यूनिक सॉल्यूशन ठीक है जी अब जरा दूसरे वाले पे आते हैं k इज नॉट एट अगर k आठ नहीं है तो क्या सिस्टम बनेगा जी वन वन एच टू जीरो ये तो है नहीं तो ये नॉन जीरो यहाँ भी नॉन जीरो बहुत बढ़िया ये लीजिए ये एक्स वन है ये एक्स टू है वो जो भी आपका बी था ज़रा सेकंड रो में आइए तो एक्स वन तो गया यानी एक्स टू के साथ कोई नॉन जीरो नंबर लिखा हुआ है तो समथिंग इनटू एक्स टू ये समथिंग ये भी नॉन जीरो जो भी आपका बॉक्स में ये भी नॉन जीरो तो एक्स टू हैज़ अ यूनिक वैल्यू देगा ना एक अच्छे से वैल्यू यूनिक नॉन जीरो वैल्यू बोलो तो फिर तो x1 भी ऐसे ही हो जाएगा बिकॉज x1 प्लस एच एक्स टू इक्वल टू टू दे रहा है तो x1 इज ऑल्सो समझ में आ गया क्या यहाँ से भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है बोलो भाई ऐसे ही करना चाहिए आपको तो सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है कंसिस्टेंट है भाई क्या b करने की वजह से d नहीं हो गया बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए ओके आखिरी वाला पार्ट करते हैं सी पार्ट द सिस्टम हैज एटलीस्ट ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं H को दो रखते हैं और K को आठ रखते हैं H को दो रख लीजिए अब जैसे भी करिए आप सोच रहे होंगे रैंक से क्यों नहीं कर रहे अरे भाई कोई एब्सोल्यूट मेथड है क्या इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अब कुछ भी करो ना तो दिस विल बिकम वन एच टू सॉरी हाँ ठीक है वन एच टू वन टू टू और दूसरे वाला एच दो के बराबर है ये गया और के ऐड किए भी गया जीरो 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 धन्यवाद आप सबका हाँ जी धन्यवाद लेंगे या नहीं लेंगे तो ये एक्स वन है ये एक्स टू है ज़रा बताइए क्या मिला एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल हाउ मेनी सॉल्यूशंस हाउ मेनी सॉल्यूशन आई एम आस्किंग भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है सच में अच्छा क्वेश्चन बच्चा परेशान भी नहीं होगा मैट्रिक्स का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कई बार क्या होता है 3x3 या 3x4 में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है लेकिन यहाँ नहीं होगी इसमें भी अगर कुछ बच्चे परेशान हो गए दोबारा कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से चलिए रेडी फॉर नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था ना हाँ तो yes, sir. बहुत अच्छा चलिए नेक्स्ट वेल इस पर तो क्या ही बात करूँ जिन्होंने मेरे डिफरेंशियबिलिटी की क्लास की है जिन्होंने डिफरेंशियबिलिटी की क्लास की फटाफट आइए आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा हाँ जी इस केस में डेरिवेटिव जो है वो 2 है डेरिवेटिव माइनस 2 है डेरिवेटिव 1/2 है डेरिवेटिव माइनस 1/2 है और इन सब के पास एक यूनिक लिमिट ये क्या है फिक्स पॉइंट ये y इक्लो एक्स लाइन है हाँ जी ये इंडिविजुअली 2x इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगा माइनस 2x भी एक ही पॉइंट पे कट यू नो व्हाट समझ गए हेलो जी अगर किसी फंक्शन के पास यूनिक फिक्स पॉइंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 1 से कम होना चाहिए कहाँ भैया उसका डेरिवेटिव तो 1 से ज़्यादा है तो ये गलत होगा दूसरा यूनिक फिक्स पॉइंट होगा डेरिवेटिव माइनस 1 से ज़्यादा होना चाहिए ये माइनस 1 से ज़्यादा है हटाओ सी पार्ट देर इज अ डिफरेंशिएशन सामने लिखा हुआ है भैया सामने लिखा हुआ क्लियर हो गया जी सर नेक्स्ट क्लासेस में सब बताया गया हाँ जी ये जिन्होंने ग्रुप 3 की हालिया क्लासेस की हैं अगेन नॉट फॉर सिलेबस चैंपियंस या फॉर्मूला चैंपियंस आई शुड से ये मैंने आपको क्लास में निकाल के बताया था यस
जेड से जेड और क्यू से क्यू। पहली क्लास में जेड प्लस से जेड प्लस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की शक्ल कैसे दिखेगी याद हो तो, ऐसे क्यू प्लस टू क्यू प्लस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की शक्ल, ना सिर्फ शक्ल दिखाई बल्कि प्रूव भी कराए हैं अगर आपको केसेस याद है तो। यस एवरी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, एवरी ग्रुप होमो, किसी बच्चे को याद है जो क्लास करते हैं? एक को भी याद नहीं है? अरे बताओ, जाके ग्रुप्स की क्लास करो। एक भी बच्चे को याद नहीं है? वेरी बैड। ये लो, एवरी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज ऑफ दिस टाइप, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स एफ वन, एक्स या अल्फा एक्स कह सकते हैं, अल्फा एक्स कह सकते हैं, वेयर अल्फा इज एफ वन। भाई ये क्लास में कराया है आप लोगों को क्या? आपने ग्रुप थ्योरी की हालिया क्लासेस नहीं की? अभी एक हफ्ता पहले कराया, नहीं किया? एक ने भी नहीं किया? कमाल है भैया, इसका सॉल्यूशन दिया गया है क्लास में। आर यू लिसनिंग? नॉट इवन लिसनिंग? ओके। अब उसने बोल दिया कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब अल्फा जीरो नहीं हो सकता। अगर अल्फा नॉन जीरो है तो भाई ये एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स अगर रैशनल नंबर्स पे ना भी देखे तो लाइन होगी ना, एक तरह से लाइन होगी अच्छी खासी। एंड यू नो किस तरह की लाइन के बारे में बात हो रही है, वाई इज इक्वल एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स, या देख लीजिए। यस अल्फा नॉन जीरो है तो एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स, इज इट वन वन, इज इट ऑन टू, इज इट होमो, सब कुछ तो आ ही जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये ध्यान रहे, अगर उसने सिर्फ होमो दिया होता तो जरूरी नहीं था, बिकॉज अल्फा जीरो भी हो सकता है, ट्रिवियल मैप भी आ सकता है। मैंने इसका प्रूफ कराया है क्लास में, जाके देख लीजिए अभी भी। नेक्स्ट, वॉल्यूम निकालना है, निकाल लेना वॉल्यूम यार, जेड दिया हुआ है ना, सॉरी एक सेकंड रुको। ठीक है, यानी वॉल्यूम क्या होता है? ट्रिपल इंटीग्रल डीएक्स डीवाई डीजेड, डबल इंटीग्रल, जेड कहाँ से कहाँ है कोई भी लिमिट लगा लीजिए, आंसर नेगेटिव आएगा तो मॉड लगा के लिख दीजिएगा, क्या चिंता है आपको, तो वैसे भी कोई चिंता नहीं है। ठीक है भाई, आप ही बताओ ना, अगर कुछ नहीं बताया तो जीरो ज़्यादा हो गया, एक्स स्क्वायर ज़्यादा होगा, तो दैट इज़ वाई, एंड रेस्ट यू नो। तो डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब ये एक्स वाई प्लेन में क्या बन रहा है? नहीं तो क्या ही बताऊँ यार, क्या बन रहा है, बना लीजिएगा, बन जाएगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाए इसमें। दूसरा टू माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, माइनस एक्स स्क्वायर का उल्टा, टू यूनिट्स ऐड करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, सो इट इज़ वाई इज इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो यानी वाई, यू नो ना कर लेना, सब आराम से हो जाएगा टू डी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कितने बच्चों से नहीं हुआ फटाफट बताइए। नहीं नहीं होगा होगा, आराम से होगा, घर पे बैठना आराम से ऑल ऑफ यू, और जो मेथड बता रहा हूँ वो करिएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, आ गया तो आपको क्या करना है, अरे इसका इनवर्स ही निकाल लो ना। कैसे निकालें सर, ट्वेल्थ क्लास की आधी एंट्रीज तो है ही नहीं, जीरो 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 है, और बाकी जो एंट्रीज हैं भी वो वन है, तो मल्टीप्लाई करके बहुत अच्छा सा सिस्टम बन जाएगा। जस्ट सी ऑल ऑफ यू, इनवर्स निकाल लीजिएगा, लाइक दिस इंटू दिस शुड बी वन जीरो जीरो। थोड़ी मेहनत करो ना, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा आपको, यू वॉन्ट एवरी थिंग फॉर फ्री। हाँ लगता है भविष्य के यूट्यूबर और कोई नहीं, आप ही हैं, सब कुछ फ्री में चाहिए आपको, तो मेहनत कर लीजिए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए वहाँ से, या अदरवाइज अगर किसी बच्चे ने किया है तो भैया ये इसका इनवर्स है। आएगा कैसे सर, थोड़ा सा दर्शन करा ही देते हैं आपको, ध्यान दीजिए सर एवरीवन। मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसका इनवर्स ये है, ध्यान से देखना, मजाक लगा रखा तुम लोगों ने। अगर ये एक दूसरे के इनवर्स हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आना चाहिए ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इनटू दिस ए
बी, ध्यान से देखिए, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहा, दिस इनटू दिस, ठीक है। दूसरा रो ए प्लस एक्स यू शुड नोट, बी प्लस वाई यू नोट, तीसरा ए प्लस एक्स प्लस पी, ध्यान से देखते रहिएगा, और चौथा ए प्लस एक्स प्लस पी प्लस डेल्टा। पहला कॉलम सबको समझ में आ गया? हाँ बोलो जी सर। अब अगर ये एक एक दूसरे के इनवर्स है तो इनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आना चाहिए था। देखिए देखिए, कोई बात नहीं, आइडेंटिटी का मतलब ये आना चाहिए, बस अब वो होगा जब सोच भी नहीं सकते। ये स्टूडेंट्स कंपेयर करिए, कम से कम पहला कॉलम तो कंपेयर कर ही सकते हैं। हाँ जी, ए वन आ गया, ठीक है जी। दूसरा ए प्लस एक्स जीरो आ गया, थर्ड ए प्लस एक्स प्लस पी जीरो आ गया, लास्ट ए प्लस एक्स प्लस पी प्लस डेल्टा भी जीरो आ गया। हाँ जी, ए वन है, एक्स कितना है, आंसर नहीं दोगे? ए प्लस एक्स जीरो है तो पी कितना है? जीरो। हाँ जी, ए प्लस एक्स प्लस पी जीरो, तो डेल्टा की समझ में आ गया जी सर। अब ये बताइए, आपके आपके पास चार क्वांटिटीज डिक्लेयर हो गई, ए हो गया, एक्स हो गया, पी हो गया, डेल्टा हो गया, तो व्हाट इज ए, व्हाट इज एक्स? देख लो, यही लिखा था मैंने अभी। कुछ सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? तो ऐसे करके कर लेना चाहिए आपको, बिल्कुल ऐसे ही। इतना अच्छा क्वेश्चन को छोड़ा जाता है? दूसरा ये आएगा, ऐसे थोड़ा सा देख लीजिए, कोई बात नहीं। इसको सेकंड वाले में क्या आएगा आपका, बी प्लस वाई प्लस क्यू, और यू नो लास्ट वाला बी प्लस वाई प्लस क्यू प्लस बीटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, लेकिन करने वाला चाहिए ना। कंपेयर करिए, पहला नहीं करोगे कंपेयर, अगला नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी, बी जीरो वाई, बी प्लस वाई क्यू, ओहो आ गया मजा। ये तीन अब बोलो, कमाल हो गया। सेकेंड रो डिक्लेयर हो रहे हैं, बी का वैल्यू, वाई का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, बीटा का वैल्यू। हाँ जी, बी का वैल्यू जीरो वन, बोलिए बोलिए। अब हो गया यकीन? तो इन भाई साहब का, यस इन भाई साहब का इनवर्स ही रहा, ए इनवर्स लिखा जा रहा है। प्लीज ट्राई टू नोटिस, क्योंकि आगे भी आता रहेगा, एग्जाम में भी आता रहेगा। मेथड तो आप समझ ही गए, ऐसी चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए भाई, एटलीस्ट रिसर्चर को। सुनो ज़रा ध्यान से, मैट्रिक्स देखो। यस, वो जो भी है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एक तरह से याद ही कर लीजिएगा, निकालते कैसे हैं वो भी हो गया। हाँ जी, मेन डायगनल में वन बैठा हुआ है, ठीक है, और एक डायगनल इमीडिएटली बिलो द मेन डायगनल इज व्हाट, माइनस वन, इज दैट ओके? बाकी सब जगह जीरो। जी सर। और बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज, समझ ही गए अब तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका इनवर्स भी निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे अब के बाद छोड़ना, ठीक नहीं। एंड यू नो व्हाट विल हैपन, मेन डायगनल जीरो इनवर्स में, और डायगनल इमीडिएटली अबव द मेन डायगनल विल बी माइनस वन, माइनस वन। थैंक यू वेरी मच। यस, व्हाट इज ट्रेस ऑफ इनवर्स? ओ भाई आ गया ना मजा। चलो नेक्स्ट, तो इसमें क्या करना है, इसमें तीनों का इंडिपेंडेंस चेक करना है। साइन है, यस साइन है, कॉस है, टेन है। अगर ये तीनों एल आई है तो डायमेंशन तीन, तीन में से दो एल आई है तो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस बीटा इंटू कॉस एक्स प्लस गामा इंटू टेन एक्स। भैया जरा साथ दो, मुझे पता है आपने ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं कभी। अब उसने पूरा रियल वैल्यू बोल ही दिया, तो एक्स आर में कोई भी वैल्यू ले सकता है। इन पर्टिकुलर जब एक्स को जीरो लेंगे तो क्या आएगा? अल्फा तो गया। हाँ जी, बीटा जीरो। तो व्हाट मोर यू वांट, अगर कॉम्बिनेशन जीरो है और सारे स्केलर्स जीरो प्रूव हो जाएंगे तो एल आई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर। उसके बाद आप एक्स को पाई बाई टू पुट कर लीजिए, हो जाएगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पुट करके हो सकता है। इट्स अप टू यू, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पाई पुट करके देख लो या क्या नाम है एन पाई पे देख लीजिए, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट टेन का क्या होता है वैल्यू, साइन एक्स बाय कॉस एक्स? यस सर।
तो 10 पाई 10 पाई अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, इसको उसमें से उसको उसमें से करिएगा। क्या करेंगे सर, यही सब करेंगे और क्या करेंगे, पूरा एक्स आपके सामने ओपन करके रख दिया, कुछ भी डालते रहो एक्स। नेक्स्ट थिंग ये हो गया था सब सबसे यस सर, बस ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, जरा सा बताते हैं इसका। अगर सम टू एन टर्म्स या वो भी छोड़ दो, खाली इसको देखो, 1/4n² - 1 यानी माइनस आएगा बिल्कुल डिफरेंस रीज रेस्ट आप कर लीजिएगा, आगे क्या करना है। तो ये हो गया आपका 1/2n - 1 1/2n+1। अगर न्यूमरेटर आप चेक करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, ऐसे ही बताया था। yes, बस उसका समेशन निकालना है, तो इसको मैं वैल्यूज डालते रहिए अपने आप, एंड सम टू एंड, आराम से हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा, सब बच्चे आराम से कर सकते जिन्होंने क्लासेस को, ये काफ़ी बच्चों से नहीं हुआ होगा, विल बी डूइंग, रुक जाओगे, देखेंगे बाद में। ये वाला देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये मैंने 3 के लिए दिया है, वैसे तो 2, 3, 5 सबके लिए होना चाहिए। यस भाई, ये एलिमेंट माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट पता है ना आप लोगों को, यस सर, एक्स माइनस ब्रैकेट, तो जरा साथ है जी। यस ये ओपन करके बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें एन को वैल्यू डाल रहे हैं पहले, मतलब सीक्वेंस की टर्म्स पे बात कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट मैं ऐसे चलता रहे। हाँ जी, 3/3 is 1, 6/3 is 2, 9/3 is 3, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, इसका भी नहीं है, आगे जो भी आएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, तो ये तो 0 आ गए, ठीक है। यस सर, 1 सॉरी, आई एम सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट 0, दिस फाइन। ऐसे इधर आ जाइए, 2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट वो खुद है, 5/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 2/3, अरे लिख सकते हो। क्या है इसका फ्रैक्शनल पार्ट? 1। फ्रैक्शनल पार्ट 2/3। थैंक यू, एंड यू नो इसका क्या हो, समझ में आ गया, बस पूरा पूरा सीक्वेंस ऐसे ही जाएगा जी। धन्यवाद आपका। तो ये 3 लिमिट पॉइंट्स हैं आपके, हाँ, अल्फा इज द नंबर ऑफ लिमिट, लिखा नहीं है, प्रिंट नहीं आया, बट यही पूछा गया था, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, ऑटोमॉर्फिज्म आपके या हमारे चाहने से नहीं होगा, आता ही एग्जाम में, ऑट जेड एन इज आइसोमॉर्फिक टू म्यू एन, बस यही आंसर है आपका। साइक्लिक ग्रुप है 8 ऑर्डर का, यानी ऑट जेड 8 निकालना है आपको, तो म्यू एट तो 4 ऑर्डर का ग्रुप होता है, 4 ऑर्डर का ग्रुप होता है। नेक्स्ट, ये भी मैं पहले डिस्कस कर, सॉरी, ये भी काफ़ी दिनों से डिस्कस हो रहे हैं, पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। इसका ग्राफ बना लीजिए e^x का और 3x² का, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ e^x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ 3x². बहुत कम बच्चों से सही सही ग्राफ बनेगा, उसमें एक हम भी हैं। हाँ जी, आपने फिर एक टर्म सुना होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आगे जाके भी टकराएगा। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि
बिल्कुल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो ऐसे ही होता है ना, दिखाई दे रहे हैं, एक कट यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा। या तो ग्राफ बना लीजिए सही सही, जो कि बहुत कम बच्चे बना सकते हैं, नहीं तो अपोजिट साइन थ्योरम से भी पता लग जाएगा। कुछ वैल्यूज वगैरह लेंगे अगर आप, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 3x² पूछ रहे हैं। व्हाट इज एफ जीरो? नहीं, एफ जीरो एफ वन वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बिटवीन टू यू नो अपोजिट साइन थ्योरम, एक रूट मिल गया इन दोनों के बीच में। अरे बोलो यस बोलो, ऐसी बाकी भी चल, मतलब दो तीन वैल्यूज लेके पता लग जाएगा, नहीं तो आंसर आपका yes. आपके सामने है भाई। ये सब करने करना होता है, ये सब बच्चों को, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बहाने नहीं बना सकते, आप बहाने नहीं बना सकते। लिमिट घर बैठ कर निकालिए, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग। ये क्वेश्चन देखिए भाई, आई लाइक दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। साथ आ जाओ, एफ एक्स वी आई वन, यस, व्हाट इज एफ जीरो? वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन पॉजिटिव। व्हाट इज एफ एट इन्फिनिटी? आप सबको पता है लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट पावर एन, कॉन्स्टेंट पावर एन। इसके तीन आंसर्स होते हैं, जीरो वन एंड इन्फिनिटी। दस मिनट सर, 10 मिनट 50 है ना, क्योंकि 50 है, 5 से 10 मिनट के बाद। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वांटिटी माइनस वन वन के बीच में लाई कर रही है तो आंसर क्या आएगा? जीरो। सो ये देखिए 5/17x आस्किंग, दिस इज आस्किंग व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ 5/17 होल पावर एन। अरे कुछ बता भी दो भैया, ये जीरो तो एट इन्फिनिटी पहले वाला, दूसरा, तीसरा, सो ये नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। अगर मोटा मोटा देखें जीरो और इन्फिनिटी, भाई यहाँ पॉजिटिव है, इधर लगेगा कट और यहाँ इधर लगेगा, तो ये एक बार भी कट लग सकता है, दो तीन बार भी लग सकते हैं, तो अब और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एक कट तो पक्का निश्चित हो गया, यानी ज़रा इसका डेरिवेटिव बताइए। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए पावर एक्स लॉग ए, ए पावर एक्स लॉग ए, तो ये हो जाएगा आपका दिस पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 5/17। अगले वाले में 9/17, अगले वाले में 12/17। ब्लॉक का ग्राफ तो आप लोग बना ही रहे हैं बचपन से। हाँ जी अब जाओ, मैं कर दूंगा। कहाँ से बंद करना है, कहाँ से बंद करना है? किन दोनों को? एक तो स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी और, हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है, ओके हाँ कर दूंगा, ओके समझ गया। मैं नहीं होगा तो मैं कॉल कर लूँगा, कर दो आप शुरू करिए करिए। हाँ जी हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो भाई डेरिवेटिव ये है, अब उसमें लॉग का ग्राफ देखते हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर। देखिए लॉग का ग्राफ 0 और 1 के बीच में नेगेटिव वैल्यू लेता है, सो दिस इज अ क्वांटिटी लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, साथ वाला एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अलोंग विद नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी, ओए होए, तो जिसका जिस फंक्शन का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ट्रिकली डिक्रीज करता हुआ ग्राफ एक ही बार गिर सकता है, बार बार नहीं गिरेगा। एक ही बार गिरेगा तो कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस कोइंसाइड होगा? एक, ओनली वन रियल रूट, इज दैट ओके? यस सर। चलिए नेक्स्ट थिंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई महारथी ऐसा तो नहीं जिससे ये नहीं हुआ? 97 प्राइम नंबर होता है, 97 प्राइम नंबर होता है, या नहीं होता है? होता है। सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, व्हाटएवर। हाँ जी ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ऑर्डर ऑफ जी 97 है, 97 है तो प्राइम नंबर होने की वजह से क्या क्या पॉसिबल है? 197। थैंक यू वेरी मच भाई। अगर ये 1 है तो एफ 11 हो जाएगा,
1 1 के लिए तो मना किया ना उसने, नॉन इंजेक्टिव बोला, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ 97 होगा। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रेंज ऑफ एफ। जी ये जी और कर्नल एफ तो बराबर ही हो गए ना, बराबर, वैसे भी वो भी 97, ये भी 97, तो ये 1 और ऑर्डर ऑफ रेंज ऑफ एफ। हाँ जी कितना, तो रेंज ही तो है, ये हो जाना चाहिए था सबसे, जिनसे नहीं हुआ तो चलिए कुछ बोलेंगे नहीं। नेक्स्ट, रेडी फॉर नेक्स्ट? एकलन फॉर्म लेके रैंक निकालिए, यहाँ नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। एस टू की हेल्प से जीरो बनाइएगा, फिर यहाँ जो नॉन जीरो आएगा उसके हेल्प से डाउनवर्ड जीरो, फिर यहाँ नॉन जीरो डाउनवर्ड जीरो, एंड देन पहले डाउनवर्ड देन अपवर्ड, नहीं तो अपवर्ड ना भी बनाओ तो डाउनवर्ड बना के आपको पता लग जाएगा कितने कॉलम्स एल आई हैं। रैंक होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, इज दैट ओके? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए इसमें क्या है, एच सॉरी अगेन, एच दिया गया है स्पैन ऑफ वी वन वी टू वी थ्री। भाई अगर ये तीनों एल आई हो गए तो डायमेंशन तीन है, तीन में से मान लीजिए वी टू वी वन और वी थ्री का कॉम्बिनेशन है, तो स्पैन से वी टू गायब हो जाएगा, डायमेंशन टू अकॉर्डिंगली, मतलब आपको सिर्फ ये देखना है तीन में से कितने वेक्टर्स एल आई हैं। इफ ऑल थ्री आर एल आई डायमेंशन इज थ्री, इफ टू आर एल आई डायमेंशन इज टू, और अगर एक तो है ही खैर आपके सामने नॉन जीरो सिंगलटन, समझ गए, इनका एल आई एग्जामिन करना है, डिटर्मिनेंट लेके पता लग जाता है, नहीं तो एकलन फॉर्म से कर लीजिएगा, हो जाएगा। वी वन वी टू वी थ्री को मैट्रिक्स में लिखो और एकलन फॉर्म कर लीजिए अपने आप, बड़े आराम से, बड़े आराम से, तो ये भी कोई टाइम खराब करने वाला क्वेश्चन नहीं है, पक्का पक्का आ जाएगा। हाँ जी, इसमें तो आपने झंडे गाड़ी दिए होंगे, y इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, तो y सॉरी एक्चुअल में मेरे दिमाग में लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो कोई बात नहीं, रूट थ्री एक्स, ओके रूट थ्री एक्स, आई होप x रूट में नहीं है, इसमें क्या करने, तो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, बनेंगी ना, लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट, यानी विच वन इज विच वन, अब आपने आप करो भैया, इसमें क्या झगड़ा करना है, ये सर्कल हो गया एक्स टू प्लस वाई टू इज वन, लीजिए कमाल ही हो गया, ऐसे ही बनेगा ना जी सर, ये रहा ये वाला पोर्शन है, रेस्ट यू नो, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप टाइप चेंज करके ब्रेक करके कर सकते हैं, है ना, इसको यहाँ से पार्ट करना पड़ेगा, देन डी वन डी टू करना पड़ेगा, ऐसे किया है या किया ही नहीं, कुछ तो बोलो, किया था ना, गुड। नेक्स्ट, वॉल्यूम अपने आप करिए, हाँ जी यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन दो मेथड से हो जाएगा, दो मेथड से हो जाएगा, पहला मेथड बाय चांस की बात है कि हो गया, वैसे तो 4x4 है और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सबको आता है, क्यूबिक सॉल्व करना आसान बात नहीं है, और फोर्थ डिग्री का पॉलीनोमियल तो बात ही क्या करें, बाय चांस इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बहुत अच्छा बनेगा, वो कम्प्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा, जैम का ही क्वेश्चन है, कम्प्लीटली फैक्टराइज, तो चारों रूट्स आपको दिख जाएंगे, या फिर अगर किसी बच्चे ने कंपेनियन मैट्रिक्स पढ़ा है तो कंपेनियन मैट्रिक्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल तो पढ़ा है ना, हेलो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालिए, फोर्थ डिग्री का पॉलीनोमियल है लेकिन बड़े आराम से फैक्टराइज हो जाएगा, आपको कुछ मतलब पहला रूट बाय ट्रायल आ गया तो बाकी तो दिख जाते हैं, आराम से दिख जाते हैं, तो ये भी हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 पावर सीरीज है, आराम से हो गया होगा आर ओ सी, हाँ जी ये करा देता हूँ, ये मैंने पिछले बार भी टेस्ट सीरीज में दिया था, ये करा देते हैं, पेन नहीं आ रहा है, आई थिंक वी नीड टू वेट, ठहरो भाई एक मिनट रुको, पेन को आने दो, अपने आप आता है, टेक्निकल ग्लिच आ गया, हेलो आर यू पीपल वेटिंग जी सर, इवन आई एम वेटिंग,
नहीं आया। अरे भाई मतलब जय बजरंग। हाँ देखा अपने आप आ गया। एसी का वेट कर रहे थे। नहीं कल भी, कल वाली क्लास में भी ऐसे ही हुआ था। उसमें छेड़खानी का कोई फायदा नहीं। आइए इसको करते हैं। ये स्टूडेंट्स, हाँ जी, लुक एट दिस। ए इसकी शक्ल देखते ही बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। इसका अगर लिमिट निकाला जाए, लिमिट ऑफ ए एन आएगा मैक्सिमम। व्हाट इज मैक्सिमम ऑफ टू एंड थ्री? लेकिन लेकिन ये देख के काफी बच्चों का चेहरा उतर गया जिन्होंने पहले ये क्वेश्चन नहीं किया। वन बाई ए वन प्लस वन बाई ए टू प्लस वन बाई ए। भाई जरा मेथड जरा ध्यान से देखिएगा ऑल ऑफ यू जिन्होंने पहले नहीं किया। हम सबको पता है कॉशिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉशिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। इट सेज अगर सीक्वेंस ए एन का लिमिट एल है, एल है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन डिवाइड बाय एन का लिमिट भी एल होगा। ये सबको पता है। ओके प्रेजेंट क्वेश्चन में देखिए, ये इसको रेसिप्रोकल करके उल्टा करके अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो वन बाई ए वन, वन बाई टू, वन बाई एन डिवाइड बाय उसका लिमिट निकल सकता है। भाई ए एन का लिमिट थ्री है तो वन बाई ए एन का लिमिट क्या होगा? हाँ जी, तो व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ वन बाई ए वन प्लस वन बाई ए टू प्लस वन बाई ए डिवाइड बाय। हाँ जी, वन बाई थ्री। इसका अगर वन बाई थ्री आंसर है तो फिर इसका क्या रेसिप्रोकल कर दी। कमाल हो गया भाई। यही तो बी एन है, वही पूछा था। आंसर थ्री आएगा। ये सबसे हो गया था। अच्छा क्वेश्चन है, हो गया था, हो जाना चाहिए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिनसे जिससे नहीं हुआ? एनीबॉडी? ओके नेक्स्ट। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे क्वेश्चन क्लास में हो चुके हैं। आई विल नॉट डिस्कस। मैं ये वाला कर देता हूँ। यस, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी। ये मेरे दिमाग में है भाई, तो कराना ही पड़ेगा। कितने बच्चों से नहीं हुआ? ऐसा मत बोलना कि हो गया था। नहीं हुआ था सर। ये होने वाला नहीं है भाई। आइए पहले इसका स्टैंडर्ड बेसिस। इफ इट इज एम टू क्रॉस थ्री, स्टैंडर्ड बेसिस में ई वन वन आएगा, ई वन टू आएगा, वन थ्री आएगा, टू वन, टू टू, टू थ्री। टू रोज हैं और तीन, हाँ बिल्कुल, ये आपके छह बेसिस एलिमेंट्स, स्टैंडर्ड बेसिस। इन सब का इमेज निकालेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर रोएंगे आप और हम साथ में। आर यू रेडी टू क्राई? यस, जी आइए आइए, आप भी रोइए हम भी रोते हैं। टी ऑफ ई वन वन दैट इज टी ऑफ वन जीरो 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 आइए भाई, सबके रिस्पेक्टिव आंसर्स देखेंगे अभी हम, आप और हम। ये एक्स वन यहाँ चला गया तो इसका आंसर आएगा 0 0 1 0 0 0। चेक कर लीजिए पहले, उसके बाद बोलिएगा। एक्स टू यहाँ आ गया 0 0 0 0 0 1। फिर एक्स थ्री इधर आ गया, देन एक्स फोर, देन एक्स फाइव। कुछ पहले इसको चेक करो जो ब्लू में आंसर्स लिखे हैं वो ठीक है या नहीं। जो ब्लू, हाँ पहले ये चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर सारा गड़बड़ आ जाएगा, हमारा आपका सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक लिखा है? ओके, दिस इज नथिंग बट ई वन थ्री, ई टू थ्री,
ठीक है ना, सेकंड रो फर्स्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है। ई वन टू, ई टू टू, चेक करिए मैंने। अब ये वेक्टर्स इन्हीं में लिखने हैं, पहले वाला देख लीजिए खाली, तो ऐसे लिखा जाएगा, जीरो टाइम्स ई वन वन, जीरो टाइम्स ई वन टू, वन टाइम्स ई वन थ्री, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इज दैट ओके? ओके ना जी। ऐसे ही सब सारा स्केलर वगैरह आ जाएगा, तो इसका भाई मैट्रिक्स बनाते हैं पहले। तो लेट मी राइट स्केलर्स ओनली, जीरो जीरो जीरो, टू वन टू टू, और यहाँ टू थ्री आएगा, तो ए टू थ्री है, जीरो 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 वन। ओके, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ बता देना, सब गड़बड़ा देगा, नहीं तो बड़ी मेहनत से की है। ए टू वन जीरो 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 वन जी, ई वन टू, उसके बाद ई टू टू, देन ये तो है ही, मैं पहले इतना चेक करो क्योंकि इस मैट्रिक्स से मैं डील करूँ। कोई और भी बच्चा कुछ बताएगा या बाद में रिकॉर्डिंग की तैयारी हो रही है? ओके, अब जो स्केलर्स दिख रहे हैं उनको ट्रांसपोज करके लिखना है, तभी तो काम आएगा, इसका मैट्रिक्स निकालना है आपको। ठीक है, ये भी हो गया, टू थ्री, लास्ट, सेकंड लास्ट, एंड बिल्कुल ही, हाँ जी, लेट मी राइट, यस, ये मैट्रिक्स समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। अभी अभी सब हटा रहे हैं भाई, बड़ी मेहनत से पहुंचे हैं, आई होप यहाँ कोई गलती नहीं है। अब ज़रा देखें कि क्या ये वापस आएगा, नहीं है इस वाले बोर्ड में वो फैसिलिटी नहीं है कि वापस आ जाए मिटाओ। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए गुड, अब आइए, अब निकालना क्या है आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ टी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। किसी में हिम्मत नहीं है इतनी कि 6x6 मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल लें, लेकिन कोई और तरीका बनता हुआ नहीं लग रहा है, मतलब कि या तो उसको पार्टीशन मैट्रिक्स की तरह पार्ट कर लीजिए, वो भी वैसे भी नहीं है, है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, कुछ बनेगा ही नहीं भाई, अब कूदो उसमें, ज़बरदस्ती समंदर में कूदिया ही है। आपको जब स्कूल में थे तब डिटर्मिनेंट ओपन कैसे करते हैं वो सिखाया गया था, या तो रो वाइज कर लीजिए या कॉलम वाइज, बस यहाँ एक ही चीज़ अच्छी है, क्या एक बार नॉन ज़ीरो है, और वो भी वन, इसमें भी एक ही बार है, सब जगह एक ही एंट्री नॉन जीरो है। इवन आप रो वाइज भी देखेंगे तो हर रो में सिर्फ एक ही एंट्री नॉन जीरो, वो या तो वन है या माइनस, बड़े आराम से ओपन हो जाएगा, आ जाओ साथ में। चलिए इसको रो वाइज ओपन करते हैं, सॉरी कॉलम वाइज ओपन करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चलिए मैं ओपन कर रहा हूँ, साथ रहना। फाइव क्रॉस फाइव बचे, हाँ तो बचने दो ना, क्या क्या आफत आ गई, बचने दो, कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, हाँ जी, फाइव क्रॉस फाइव, अब इट्स अप टू यू, ऐसे करेंगे ऐसे, यहाँ इधर आना जा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये भी गया ये भी गया, अब प्लस माइनस अगेन, ये भी गया और ये भी गया, ठीक है ना, मे बी, मतलब उस तरीके से, मैं ये कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स ने ज़बरदस्ती, मतलब स्पेशली बोला सर ये क्वेश्चन ज़रा एक बार देखिएगा,
देखिए इसमें यही सही तरीका है, ये इतना ज़्यादा तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज़ आपके सामने जो स्क्रीन होगा वहाँ पर आराम से कर लोगे। इसके थ्रू ओपन किया, फिर इसके थ्रू जैसे भी किया वैसे करके हो जाएगा। तो इसका जो आंसर, ठीक है भाई, ये मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ। हम इस क्वेश्चन को पार्टीशन मैट्रिक्स बना के, कई बच्चों ने करने की कोशिश, वो स्क्रीनशॉट भी भेजा है, सर ये पार्टीशन मैट्रिक्स बन के भी नहीं हो रहा, ऐसे भी नहीं हो रहा, वैसे भी नहीं हो रहा, क्या करेंगे भाई? आप बेसिक्स क्रॉस इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लीजिए। या इसमें ना इसमें आपने एक बार बताया था ना कि मतलब कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स भी से कर सकते हैं, जैसे पी और सिग्मा वन इक्वल टू थ्री वो ऐसे करके। थोड़ा आगे की चीज़ हो जाएगी अभी, कुछ कोई बात नहीं, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन ही है। तो अब इस तरह की चीज़ अगर एग्ज़ाम में आती है तो इतना सब करने के बाद क्वेश्चन छोड़ना ठीक नहीं है, थोड़ा सा शांति रख के सही तरीके से डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। बस चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, काफ़ी सारा हो गया आज, थैंक यू। सर हाँ जी, जो 29 नंबर क्वेश्चन था ना, जो एफ ऑफ एस इंक्रीजिंग फंक्शन देना है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए, वो वाला, हाँ उसमें मतलब कल आपने यूट्यूब में 40 मिनट वीडियो डाला था ना, मतलब थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हूँ, मतलब एफ ऑफ एस जो जाएगा ना इंक्रीजिंग फंक्शन देना है वो इजेंट कन्वर्जिंग इंटरवल और डिसकंटिन्यूटी एट मोस्ट वन, हाँ 29 वाला क्वेश्चन।29 है शायद। इस अकाउंटिंग में यस सर बना के दिखाया तो था आपको कल लास्ट क्लास में, ये 0 लेना है, 1 नहीं लेना है, 2 लेना है और 3 भी लेना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे ले लीजिए, लीजिए ऐसे ले लेते हैं, यहाँ ओपन है, यहाँ डिफाइंड है, जहाँ यहाँ ख़त्म किया है वहीं से लीजिए। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भाई, क्या इशू है? जी इसका जब आप इमेज लेंगे, परछाई लेंगे, तो इंटरवल ही बन जाएगा, इसकी परछाई क्या आएगी? ऐसे करके ले लो वाई एक्सिस पे, ये यहाँ से शुरू किया यहाँ तक, ये आ नहीं रहा लेकिन ये यहाँ से तो आएगा ही, तो यहाँ से ही लेकर के यहाँ तक ये पूरा आ जाएगा भाई, ये पूरा, ये ठीक है ना? इसका इमेज एक इंटरवल आ रहा है, जी तो क्या इशू जी है? और ये फंक्शन अपने डोमेन में कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, ना इधर ब्रेक है ना इधर से, बीच में, बीच वाला तो पोर्शन ही नहीं है ना डोमेन में, बीच वाले में तो आपको देखना ही नहीं है, हाँ तो वही वही सर, थोड़ा कंफ्यूज बीच था वाला, मतलब, हाँ हो ये गया क्वेश्चन ही है सर, क्वेश्चन तो क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है, ये अपने पार्ट पे। वैसे ऑन द होल रियल लाइन देखेंगे तो टूटा हुआ है, लेकिन अपने पार्ट पे कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, 0 1 यूनियन 2 3 पे थोड़े ना ब्रेक हो रहा जी सर, थैंक यू। है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।